चलिए जी, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। और ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर है, इसमें सेक्शन तो एक ही है, सेक्शन 15, लेकिन इसके रूल है काफ़ी सारे। ठीक है, एक दूसरी बात, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि अगर डिपार्टमेंट को कभी लगेगा कि असेसी ने गलत वैल्यू निकाली है, तो वो सेक्शन एक पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के तुम्हें, सेक्शन 66। ठीक है, आप अपने फाइनल लेवल पे पढ़ोगे, आईपीसीसी में तो शायद नहीं है। ठीक है, स्पेशल ऑडिट हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट दो ही केस में होता है, अगर या तो आपने आईटीसी गलत ले लिया हो या आपने वैल्यू गलत लगा ली। तो मैं यहाँ पर आपको स्पेशल ऑडिट नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं यहाँ पे इस चैप्टर की आपको रेलिवेंस बता रहा हूँ कि जितना रेलिवेंट आईटीसी का चैप्टर है, उतना ही रेलिवेंट ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का है। सर क्या मतलब, गवर्नमेंट कहती है इन्हीं दो चीज़ों से नुकसान हो सकता है, या तो कोई व्यक्ति आईटीसी ज़्यादा ले ले तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, अगर किसी ने वैल्यू कम ले ली तो नुकसान हो जाएगा। एक बार मैंने जब ये जीएसटी लॉ आ रहा था, तो फाइनेंस मिनिस्टर अगर मेरे से पूछते कि जीएसटी रेट कपिल हम 28% लगा रहे, लगा ले, मैं कहता लगा लो। कह रहे 56% लगा रहे, मैंने कहा लगा लो। कह रहे 112% लगा रहे, मैंने कहा लगा लो। लेकिन तुम रेट जो मर्जी लगाओ, लेकिन वैल्यू मैं डिटरमाइन करूँगा। अगर कोई पूछ ले कि केजे क्लासेस पे जीएसटी का रेट 500% लगा देंगे, मैंने कहा लगा दो, लेकिन वैल्यू मुझे डिटरमाइन करने दो। ठीक है, तो अगर उन्होंने 500% भी लगा दिया और मैं वैल्यू मुझे बोल दे कि मैं जो सप्लाई दे रहा हूँ इसकी वैल्यू तुम बताओ, तो जो वैल्यू मेरी सप्लाई की 10,000 है, और अगर मैंने किसी तरीके से इसकी वैल्यू जीएसटी परपज के लिए निकाल कर 1 रुपये कर दी, बोलो मजा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, वैल्यू लगाओगे तो तुम ही, लेकिन हम बताएंगे कि वैल्यू कैसे निकालो, किस परपज के लिए, जीएसटी के लिए। जैसे तुम्हें याद होगा, जब मैं सेक्शन 7 तुम्हें सप्लाई पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बोला था कि अगर मेरी वाइफ भी बैठकर पढ़ रही है तो उसे भी सप्लाई मान लिया जाता है, राइट? लेकिन जब वो सप्लाई तो मान ली और उस पर 18% जीएसटी भी लगा लिया, लेकिन अब बात आई कि वैल्यू क्या निकलेगी, क्या निकलेगी, वैल्यू। तो वैल्यू क्या एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है या नहीं है? तो इसे हम बोलते हैं वैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? वैल्यूएशन। अब ये वैल्यूएशन का बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भाई अगर मुझे अपने कस्टमर से पैसे मिले तो जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर पैसे किसी ट्रांजेक्शन के नहीं मिले तो क्या, तब भी जीएसटी लगेगा, बोलो। तो हमने देखा है कि अगर आप, मैंने अपनी वाइफ को सर्विस दी, सेक्शन 7 सप्लाई पढ़कर आए हो, मैं मान रहा हूं, तो इस केस में आप वैल्यू क्या होगी। तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल से शुरू करूंगा, फिर उसके बाद हम पूरा डिटेल्ड में जाएंगे। पहले एक बेसिक एग्जांपल से बात करते हैं। बेसिक एग्जांपल क्या है कि मैं दुकानदार हूं, ठीक है, मेरी नई नई दुकान है, ठीक है, मैं किस चीज़ की दुकान करें, लेडीज पर्स की कर ले या मोबाइल फ़ोन, चलो मोबाइल फ़ोन की कर लेते हैं। ये मेरी मोबाइल फ़ोन की दुकान है, अब उस पर कस्टमर आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, बिल्कुल लेमेन लैंग्वेज में समझेंगे तुम्हें वैल्यूएशन समझ आ जाएगा। अब ये मोबाइल फ़ोन जो मैं परचेज करके लाया, एप्पल का मोबाइल है, ठीक है ना, मैं एप्पल कंपनी से परचेज करके लाया, मोबाइल है 80,000 प्लस जीएसटी का जो मुझे लगकर आया, ठीक है, राइट। अब उसके पास, मेरे पास एक कस्टमर आता है, ठीक है, मान लो संदीप बब्बर जी आते हैं मेरी दुकान पे, संदीप बब्बर जी आए मेरी दुकान पे लेने, अरे सर क्या हाल है, नई मोबाइल की दुकान खोल ली, जीएसटी नहीं चला। मैंने कहा हाँ भाई अब मोबाइल बेचेंगे, तो ना सर एक एप्पल का मोबाइल दे दो। मैंने कहा यार ये स्टूडेंट है, ये मेरे से ज़्यादा बार्गेनिंग तो करेगा नहीं, मेरी इज्जत रखेगा, ठीक है। मार्केट में ये मोबाइल बिक रहा था 90,000 का, 95,000 का,
जैसा जिसका। मैंने कहा संदीप जी तुम भी क्या याद करोगे, पहले कस्टमर हो, तुम्हें मैं देता हूँ 1 लाख का। कितने का देता हूँ? 1 लाख प्लस GST। अब इन्होंने कहा फंस गए, अब टीचर है कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और ये मेरे से कितने का ले गए? 1 लाख का। बिल बनाया, पैसे दिए, काम खत्म। अब बताओ मुझे जो GST पे करना है वो कितने पे करना पड़ेगा? राइट, मैंने 1 लाख पे गवर्नमेंट को GST पे कर दिया, गवर्नमेंट भी खुश होगी। कुछ बोलेगी गवर्नमेंट? ये बोलेगी कि 90 का मिल रहा था मार्केट में, 95 का मिल रहा था, मुझे 1 पे क्यों दे रहा है GST, 90 पे दे। नहीं। दूसरा कस्टमर मेरे पास कौन आया? दूसरा कस्टमर आ गया ठीक है, सारे ही आएंगे तो कम। अब दूसरा आ गया मेरे पे बचपन का प्यार, ठीक है। कौन सा आ गया मेरा क्लाइंट कस्टमर? बचपन का प्यार। अब बचपन का प्यार देख के ही मैं बह गया, ठीक है ठीक है। बोनी का टाइम था, बहुत दिनों बाद मिले, 15 साल बाद, ठीक है। वाइफ भी इतनी थी दुकान पे, बातें हुई। तो मैंने वो जो 80,000 का मोबाइल था, ठीक है 80,000 का मोबाइल था, तो मैंने कहा तुमसे क्या लूँ? कह रहे नहीं पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे, नहीं तो कुछ ऐसा भी होता बिना पैसे के चीज़ ली तो लड़ाई हो जाती। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसी भी गलत धारणा है। तो मैंने वो मोबाइल उन्हें मात्र दे दिया, कितने रुपये में? 20,000 प्लस GST, ठीक है। अब बताओ क्या 20,000 पे GST लगेगा या 1 लाख पे लगेगा या 80,000 पे लगेगा? हाँ, मैंने किसे दिया था? बचपन के प्यार। क्या वो मेरा रिलेटेड है कोई? हाँ, कितने पे लगेगा? देखो जिस रेट पे आपने परचेज किया हुआ है, जिस रेट पे मैंने परचेज करा हुआ है उस रेट पे लगेगा। ऐसा तुम्हारे को फीलिंग आएगी एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम्हें ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं नहीं यार इससे कम में कैसे दे सकते। अबे भाई जब तुमने 80,000 का मोबाइल संदीप बब्बर को 1 लाख का बेचा, तब तो गवर्नमेंट को दुख नहीं हो, तब तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये नहीं कहा कि नहीं नहीं नहीं। अब जब मैं 80 से कम बेच रहा हूँ तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर तुम भावनाओं में मत बह जाना, यहाँ पर वो हमेशा यही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर GST के सेक्शन 15 में इस बात को लिखना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम ऐसी गलती करोगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बर्बाद हो रहा है तो हो, ठीक है। लेकिन हम तो GST किस पे लेंगे? 20 पे ही लेंगे, क्योंकि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। तुमने पूरी बात नहीं समझी, ये जो बचपन का प्यार था, ठीक है, अब मान लो ये एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई, ठीक है। ये क्या बन गई? बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई, इनका नेम फेम है। मैंने कहा ठीक है तुम 20 में मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन तुम बस एक वीडियो बना के डालते हो यूट्यूब पे कि मैंने कपिल जैन से ये मोबाइल ख़रीदा और इन्होंने मुझे इतने अच्छे से रेस्पेक्ट दी, इतने अच्छे से सारे फंक्शन समझाए, ठीक है, और आप यहीं पर आकर ये मोबाइल लीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता है ये मेरी क्या हो? मार्केट स्ट्रेटजी हो, ठीक है ना। हो सकता है मेरा बचपन का प्यार कैटरीना कैफ हो, ठीक है ना। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? अब कैटरीना कैफ अगर मेरे यहाँ से अगर मोबाइल ले ले और एक वीडियो बना दे या फोटो डाल दे कि मैंने कपिल जैन की से, जैन इलेक्ट्रॉनिक्स से मोबाइल ख़रीदा है, तो मेरी तो लाइफ बन गई ना, सेल हो जाएगी ना अपने आप। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जब भी कभी आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी गुड्स बेचोगे तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू पे बेचोगे। क्या जी? ट्रांजैक्शनल वैल्यू पर ही GST लगाएंगे। किस पे लगाएंगे जी? ट्रांजैक्शनल वैल्यू पे। तुमने 1 का बेचा 1 पे GST, 2 का बेचा 2 पे GST, हम ये नहीं देखेंगे लॉस में बेचा है प्रॉफिट में, क्योंकि तुम्हारा भाई बिजनेस है। तुम कई बार उस चीज को कॉस्ट प्राइस से भी कम बेच सकते हो। एग्री कर रहे हो मेरी बात से या नहीं?
जोमेटो स्विगी बेचते रहते हैं तुम्हें कॉस्ट से कम पे शुरुआत में या नहीं। तो बिजनेस आपको करना है, आप जैसे मर्जी डील करो, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब एक तीसरा कस्टमर आया मेरे पास, ठीक है, वो था मेरा, ठीक है, किसे बता दूं मैं, चलो मैं इसमें मान लेता हूँ, वाइफ आ गई मेरी, ठीक है। अब भाई हम कस्टमर है तो कस्टमर है, अब तुम्हें अगर लेना है तो लेना पड़ेगा, नहीं तो स्टॉक विस्टॉक सब मिसमैच हो जाएगा। उन्होंने कहा एक मोबाइल मुझे भी चाहिए। मैंने कहा अगर मोबाइल ये 80,000 का है, अगर मैं तुम्हें दूंगा 90,000 का, तो 90,000 पे जीएसटी देना पड़ जाएगा, लेकिन बिल बनाना ज़रूरी है क्योंकि स्टॉक विस्टॉक सब मिल जाएगा, ठीक है ना, गारंटी वारंटी सब तुम्हें बिल से चाहिए। मैंने कहा ऐसा करो तुम इसे ले जाओ, कितने का कह रही, उसे कितने का दिया था बचपन के प्यार को। मैंने कहा 20 का। मैंने कहा जाओ तुम भी क्या याद करोगी, तुम जवानी का प्यार हो तो तुम ले जाओ कितने का, 10,000 में। कितने में ले जाओ, 10,000। अब 10,000 में मैंने उसे जीएसटी दे दिया, किसे दे दिया, वाइफ को। अब क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने इन्हें 10,000 का दे दिया, अब घर पे आके लड़ाई हुई। मैंने कहा पूरे पैसे दो, पूरे पैसे, ठीक है, पूरे पैसे दो मोबाइल के। अब बताओ जीएसटी कितने पे जाएगा, 10 पे। हाँ, बिल तो 10 पे है तो 10 पे जाएगा, गवर्नमेंट कह रही नहीं ऐसा नहीं। मैंने कहा जब मैंने संदीप बब्बर को बेचा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, बचपन के प्यार को बेचा तब तुम्हें दिक्कत नहीं हुई, अब वाइफ को बेच रहा हूँ तुम्हें क्या दिक्कत है। कह रही दिक्कत है क्योंकि ये तुम्हारे कोई भी रिलेटेड पर्सन नहीं थे, ये तुम्हारे कोई भी रिलेटेड पर्सन नहीं थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बर्बाद हो जाओ तुम, लेकिन ये जो तुम्हारे रिलेटेड पर्सन है, चाहे तुम्हारा कोई भी रिलेटेड है, मैंने यहाँ पर वाइफ का एग्जांपल लिया है, हो सकता है मेरा एम्प्लॉई हो, ठीक है, हो सकता है मेरा बेटा हो, ठीक है, जो भी रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में है, जो कि हमने पढ़ी थी पहले भी, पढ़ी है ना एक बार रिलेटेड पर्सन की। कह रहे अगर रिलेटेड पर्सन है तो ट्रांजेक्शनल वैल्यू पर जीएसटी नहीं आएगा। मैंने कहा फिर किस पे आएगा, कह रहे हम बताएंगे। तो अब आपको समझ आया या नहीं, तो यूनिवर्सल लॉ क्या है कि ट्रांजेक्शनल वैल्यू पर ही जीएसटी आएगा। लेकिन एक केस को छोड़कर, कौन सा केस, रिलेटेड पार्टी। चलो तीन तरह के कस्टमर हो गए। अब एक चौथा कस्टमर मेरे पर आया, कौन, सोनू। और ये सोनू जब आया, ये आया कब, 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे वाले दिन मेरे पास ही मोबाइल लेने आता। कह रहा सर एप्पल का मोबाइल चाहिए। मैं क्या करेगा, कह रहा बस सर अब पूछो मत, गिफ्ट करना है मेरे को, ठीक है ना, गिफ्ट करना है सर, बस आज दे दो। मैंने कहा अल्लाह निकाल, 80,000 प्लस जीएसटी तो कॉस्टिंग है, ठीक है, लेकिन ये प्रिय स्टूडेंट था। मैंने कहा चल तू कोई बात नहीं, तू 85,000 प्लस जीएसटी में ज़्यादा तेज से प्रॉफिट नहीं ले रहा, तू ये दे दे, 5,000 का प्रॉफिट ले रहा। अब इसने क्या करा, अपनी सारी जेबें झाड़ मारी, ठीक है, इसकी सारी जेबों में से निकले कुल 40,000 रुपये। भाई पैसे पूरे चाहिए यार, कह नहीं सर मोबाइल दे दो, आज गिफ्ट करना है मेरे को। मैंने कहा देख ले, मैंने भी ऐसे मोबाइल बड़े गिफ्ट करे, बाद में नंबर मिलाएगा ना बिजी जाएगा। तो बड़ा दुख होगा कि मोबाइल भी गिफ्ट कर दिया और नंबर भी बिजी जा रहा है, ठीक है, वही मोबाइल बिजी जा रहा है। कह रहा भाई सर दे दो। मैंने भाई देख यार, चाहे तू स्टूडेंट है चाहे कुछ भी है, भाई अपने को नहीं पता, तुझे समझा रहा हूँ, तू नहीं मानना, पैसे तो मुझे पूरे चाहिए। अब इसने कहा सर बस यही बात हो गई। मैंने कहा भाई कैसे दे दूँ, तू ही तो प्यार करता है उससे, मेरे का क्या मतलब। इसने क्या करा, इसने सारी चीज़ें दिमाग लगाई कि क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, ठीक है। इसके ने एक दांत लगा हुआ था सोने का, इसने वो सोने का दांत तोड़ के दे दिया मुझे, सोने का दांत। हाथ में घड़ी थी रोलेक्स की, कह रहा सर ये ले लो, दांत ले लो मेरा सोने का, घड़ी ले लो रोलेक्स की, ये दे दी। अब मैं भी बनिया इंसान, मैंने इन दोनों की कीमत देखी, मैंने कहा लग रहे हैं 1,00,000 रुपये के थे, और मैंने
इसे वो सामान दे दिया, मोबाइल दे दिया, बदले में इसके हाथ की क्या ले ली, रोलेक्स की घड़ी ले ली, या इसके मान लो सोने की कोई चीज़ थी, अंगूठी थी, कुछ भी था वो ले लिया। अब बताओ जीएसटी कितने पे लगेगा? नहीं, मैंने रेट बताया था इसे 85 का। इसने कहा सर रेट वेट छोड़ो, अब बदले में ये ले लो 40,000। इसने मुझे कैश दिया और ये सामान दिया, कितने पे लगेगा जीएसटी? कह रहा बिल तो दो भाई साहब, बिल भी तो देना है। अब मुझे बिल बनाना है तो कितने पे लगाओ जीएसटी? ये कह रहे 85 बोला था, बोलने को तो पहले मैं किसी को 90 भी बोल रहा था, 1,00,000 भी बोल रहा था, बेचने को तो मैंने बीच में भी बेचा। और ये इसका क्या होगा, रोलेक्स घड़ी का और सोने के दांत का? तो क्या फिर क्या लिख दूँ, रोलेक्स पे भी लगा दूँ या पहले कहो रुक जा? ये कह रहा जल्दी दो जल्दी, नहीं तो कोई दूसरा दे जाएगा गिफ्ट। जितने का बिल बनाया उतने का पैसा दे देगा, बाद में बोलेगा गाड़ी दे दो। नहीं कह रहा नहीं दूँ, मैंने कहा देख ले बाद में वापस नहीं करोगे, कह रहा मत करना, बस जिंदगी और मौत आज ही है। कह रहा बात किसने देखा है, तो तुम्हें लग रहा है 40 पे अगर बिल बना देंगे तो दिक्कत है, राइट? क्यों, जब मैंने 20 पर बिल बनाया था तब तो दिक्कत नहीं हुई थी तुम्हारे को, क्योंकि वहां पर कंसिडरेशन भी इसी था और उसके अलावा और कुछ नहीं था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। सर यूट्यूब की वीडियो भी तो बनाई थी, अरे वो तो सर बाद में बना दी थी ऐसे ही, लेकिन ले तो बिल कितने का था, मोबाइल ले लिया था, वो तो उसने अपनी खुशी से बना दी थी, मैंने थोड़ी कहा था। उसने कहा था कि चलो एक सेल्फी खींच लेते, ठीक है वीडियो बना लेते, समझ आ रहा है एग्जांपल? तो इसका मतलब सेक्शन 15 ये कहता है कि हर केस में जो ट्रांजेक्शनल वैल्यू होगी उसी पर जीएसटी लगेगा, लेकिन दो केसेस को छोड़कर। कितने केसेस को छोड़कर? एक केस क्या है, जब तुम्हारे यहां पर तुम्हारा कौन आ जाए, और दूसरा कौन सा केस है, जब कंसिडरेशन के साथ क्या आ जाए, कुछ और भी आ जाए। कुछ और के लिए क्या प्रोसीजर अपनाएंगे वो अलग से बताएंगे। अब आप ऐसे ही मत कह देना रोलेक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या पता रोलेक्स की वैल्यू हो ही ना, अब आती ना हो उस तरह की घड़ी जो ये देखे गए, ठीक है समझ भाई? अब ऐसा भी हो सकता है, एक कस्टमर आया मेरी दुकान पर मोबाइल लेने, वो मोबाइल लिए जा रहा था, और तुम्हें मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैं बहुत बड़ा पेंटर हूँ, मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, वो पेंटिंग मेरे पीछे लगी हुई थी, मोबाइल देख रहा है, पेंटिंग देख रहा है, उसने मोबाइल छोड़ के कह रहा है पेंटिंग चाहिए मुझे, क्या चाहिए? ये पेंटिंग चाहिए मुझे। मैंने कहा पेंटिंग का क्या करेगा तू, मैं तो मोबाइल की दुकान है, कहना पेंटिंग बढ़िया लग रही, पेंटिंग दे दो। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उस पेंटिंग की वैल्यू क्या हो, उस पर जीएसटी क्या लगे, हो सकता है या नहीं? हाँ, क्योंकि उसकी तो कोई ट्रांजेक्शन वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि वो पेंटिंग तो मैंने ऐसी बना दी थी मजे में और लगा दी थी, हो सकता है या नहीं? तो क्या वैल्यूएशन के चैप्टर की अब गंभीरता समझ गए? क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें वैल्यूएशन कैसे होगा ये नहीं बताया, मैं तुम्हें सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में क्या इशू आ सकते हैं, ठीक है? तो एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आने के हाईली चांस होते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 15। क्या पढ़ते हैं? सेक्शन 15। सेक्शन 15 को तीन एंगल से पढ़ेंगे। सेक्शन 15 का सब सेक्शन 1 क्या कहेगा कि भाई जितना आपने चार्ज करा उस पर जीएसटी लगेगा ट्रांजेक्शनल वैल्यू पे, काम खत्म। लेकिन हर केस में नहीं, दो केस को छोड़ के, हर केस में लगेगा, दो केस को छोड़ के। अब क्या हुआ, अब ये जो मेरे पास सोनू आया था मोबाइल लेने, अब ये जल्दी जल्दी में ऐसे ही मोबाइल ले जाने लग गया, ठीक है ना? फिर ये आया लौट के भागा भागा, कह रहा सर इसे पैक तो कर दो। मैंने कहा पैक? मैंने कहा लाओ भाई लाओ, पन्नी लाओ, पैक कर दो। कह रहा नहीं नहीं ये वाली पैकिंग ना, ठीक है ना सर, एक ना मतलब बढ़िया सी पैकिंग करानी है, डायमंड की प्लेटेड ऐसी पैकिंग हो जाए मुझे। मैंने कहा भाई उसके पैसे लगेंगे 20,000 रुपये लग से,
कह रहे सर कोई बात नहीं कर दो, ठीक है जी। तो मैंने 20,000 रुपये की पैकिंग चार्ज, अब GST किस पे लगे, क्या इस पैकिंग वाले पे भी लगे? वैसे हम जनरली पैकिंग फ्री देते तो, लेकिन ये पैकिंग इसने स्पेशल कराई है, फूल पत्तियों से पता नहीं कैसे कैसे सजवाया है, ठीक है, बोलो लगे तो पैकिंग चार्जेस पे भी लग जाएगा। तो सेक्शन 15(2) ये कहता है, 15(1) क्या कहता है किस पे लगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। 15(2) ये कहता है कि जब आप ट्रांजैक्शनल वैल्यू पर GST लगा रहे होंगे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ऐड करनी है, कुछ चीज़ें क्या होंगी उसमें ऐड करनी है, ठीक है। पहले बड़ी टैक्स प्लानिंग हुआ करती थी GST आने से पहले, जब वैट का टाइम हुआ करता था तो 10,000 रुपये का सामान बेचा, उस पर वैट लगा दिया और 20,000 रुपये उसके पैकिंग चार्जेस में डाल दिया और उस पर कोई भी GST नहीं लगाया। गवर्नमेंट ने कहा हमें पता है, तो इस बार GST में लाते हुए क्या बोल दिया कि 15(1) में ट्रांजेक्शन वैल्यू लगेगी और 15(2) में क्या बोल दिया, इन इन चार्जेज को तुम क्या करोगे, ऐड करोगे ट्रांजेक्शन वैल्यू में, तब GST लगाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में जब तुम जाओगे तो गुड्स आते हैं तो गुड्स के साथ जो भाड़ा होता है, कार्टेज होती है, फ्रेट होता है, ढुलाई होती है, उस पर भी GST लगता है। क्यों लगता है? 15(2) की वजह से। किसकी वजह से लगता है? 15(2). तो 15(2) में कुछ आइटम्स लिखी हुई हैं जो आपको ऐड करनी ही पड़ेगी। समझ आई मेरी बात या नहीं? बोलो। तीसरा 15(3) क्या जी? 15(3) क्या कहता है कि भाई अगर मेरे पास मोबाइल लेने कोई आया, ठीक है ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि सोनू मेरे से कह रहा है कि सर मेरे को तो हर महीने एक मोबाइल चाहिए, हर महीने किसी ना किसी को देना होता है, ठीक है, साल में 20 मोबाइल चाहिए। अभी बताओ डिस्काउंट कितना दोगे? मैं कहता हूँ चल तू 20% डिस्काउंट ले लियो। कितने परसेंट डिस्काउंट ले लियो? तो मोबाइल का मैंने कहा लेकिन यार कंपनी है, कंपनी में बिल तो बनाना पड़ेगा 1,00,000 का, और मैं नीचे क्या लिख दूंगा, डिस्काउंट लिख दिया तेरे को 20%, 20,000, या डिस्काउंट लिख दिया 80%, 80,000, और नेट वैल्यू कितनी आ गई 20। तो अब GST किस पे लगे, किस पे लगे? 20 पे, क्योंकि सेक्शन 15(3) इस चीज़ को कहता है, कहता है कि अगर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हो, अगर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हो तो आप डिस्काउंट को लेस कर देना। क्या कर देना? आफ्टर डिस्काउंट ही आप GST चार्ज करना, ठीक है। लेकिन इसमें एक अलग एंगल से पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, सेक्शन 34 के एंगल से पढ़ाऊंगा 15(3), ठीक है, जब भी आप उसे पढ़ा रहे होंगे तब। तो क्लियर हो गया सेक्शन 15? तो सेक्शन बड़ा आसान है, लेकिन जब इसके रूल पर जाएंगे, कौन सा वाला रूल, कि रिलेटेड पार्टी को दिया तो क्या GST लगेगा। समझ आई मेरी बात? जब पैसे के साथ कुछ हो रहा है तो क्या GST लगेगा, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ब्रीफ क्लियर हो गया आपको क्या है यानी? हाँ बोलो जी। हाँ चलो अब आते हैं। सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कहता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो या बोथ, शैल बी द ट्रांजैक्शनल वैल्यू। जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी वही हम लेंगे, ठीक है, मतलब जितने का आप बिल बना रहे हो, जितने में हमने ट्रांजैक्शन करी वही लेंगे। विच इज द प्राइज एक्चुअली पेड और पेबल, ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है, प्राइज एक्चुअली पेड, जो कस्टमर ने दिया तुम्हें, या पेबल। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो पेड ना कर रहा हो, वो कह रहा बाद में दे दूंगा, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते मैंने 2,00,000 का मोबाइल किसी को बेचा और वो बदले में मुझे 40,000 रुपये दे रहा है, तो आप ये नहीं कहोगे 40,000 रुपये GST लगेगा। वो क्या कह रहा है, GST कितने पे लगेगा, 2,00,000 पे ही लगेगा, क्योंकि वो प्राइस पेड और पेबल था। कई लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक व्यक्ति ने किसी को एक मोबाइल बेचा 2,00,000 रुपये का, लेकिन उसने पैसे दिए उसे सिर्फ 40,000। अरे भाई जिस टाइम मोबाइल बेचा उस टाइम तो कितने रुपये का था वो,
2 लाख का था, तुमने सेल की एंट्री डाल ली, डेटर में उसे खड़ा कर लिया। अब बाद में अगर वो पैसे नहीं दे रहा, वो 40,000 रुपये ही दे रहा है, तो क्या 40 पर GST दोगे? नहीं। समझदारी क्या है? या तो उस बिल को चेंज कर लो, या तो उस बिल को चेंज करके 40 का ही बनाते। अदरवाइज तुमने बिल अगर 2 लाख का बना दिया तो ट्रांजेक्शनल वैल्यू क्या होती है? प्राइस पेड और पेबल। समझ आ गई कहानी या नहीं? क्लियर है मेरी बात को? कई लोग क्या करते हैं कि रिटर्न का चैप्टर आपने पढ़ा है, ठीक है, हुआ क्या, संदीप बब्बर जी ने अपनी कंपनी में मुझे काम दिलवा दिया, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, बढ़िया काम दिलवाया इन्होंने, कह रहे सर 10 लाख की बिलिंग कर दो, मैंने 10 लाख की बिलिंग कर दी और 1,80,000 रुपये क्या दे दिया उस पर, GST भी दे दिया, 11,80,000 का बिल हो गया। काम करा था मैंने 2 लाख का और बिल इन्होंने कितने का बनवा लिया कि 10 लाख का, सर हमारी कंपनी बहुत अमीर है, ठीक है, बहुत पैसे दे देगी तुम्हें, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने कहा चल यार बढ़िया बंदा, इन्होंने कहा थोड़ा बहुत मेरे को भी कर देना, ठीक है चल। तो मैंने कितने का बिल दे दिया, 1180 का। अब मेरी सर्विस का प्राइस पेड और पेबल कितना हो गया, 1180। मैंने बिल चढ़ा दिया, इन्होंने ITC ले लिया और मैं इनसे पेमेंट मांग रहा हूँ, पेमेंट ही नहीं दे रहे, मैं इनकी कंपनी से पेमेंट मांग रहा हूँ, पेमेंट ही नहीं दे रहे। समय बीतता गया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, बड़ी कंपनी है। बाद में मुझे पता क्या चला, संदीप बब्बर जी ने अपनी कंपनी से 180 में 90,000 ले लिए, कह रहे और पैसे मत देना इनके, ठीक है, कंपनी मुझे पैसे नहीं दे रही। अब मैं गया किसी कंसल्टेंट के पास, मैंने कहा क्या करूँ, कह रहा ऐसा कर 10 लाख के बिल को ना 1 रुपये का डाल दे। कितने का डाल दे? कम से कम ITC तो बचा ले। तो जैसे ही मैं इस बिल को 1 रुपये का डालूंगा तो क्या सेक्शन 15 कभी पिक्चर में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? कि भाई बिल तो तुमने अमेंड कर दिए 1-1 रुपये के कर दिए, लेकिन जब आपने ओरिजिनल दिया था तो उस टाइम पर प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल कितना था? मैं कहूँगा पैसा आया ही नहीं, कहता लेकिन पेबल कितना था, क्योंकि हम तो वही ट्रांजेक्शन वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जब आप अपने किसी क्लाइंट को ये सजेस्ट करो कि बिल को अमेंड कर दे, 1 रुपये का डाल दे, तो यहां पर सेक्शन 15 पिक्चर में आ जाए, ठीक है, और आपको टैक्स कितने पे देना पड़ जाए, 1,80 का। क्योंकि यहां पर क्या कहता है कि GST किस पे लगाएंगे, प्राइस पेड और पेबल। यहां पे पेड वर्ड नहीं लिखा, अगर पेड वर्ड लिखते तो जैसे लोगों की शिकायतें होती है कि मेरे को GST भी नहीं मिला, मैं क्या करूं, कहां से दूं, तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पैसे नहीं दिए, उसने का मतलब नहीं है, क्योंकि सेक्शन 15 क्या कहता है, पेड और पेबल फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ वेयर द, तो हमेशा क्या होगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू, लेकिन 2 केसों को छोड़ के, कहां पर, वेयर द सप्लायर एंड द रिसीपेंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड। ट्रांजेक्शनल वैल्यू हमेशा तभी होगी जब ये दोनों क्या होंगे, नॉट रिलेटेड, क्या होंगे, नॉट रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने जितनी भी ट्रांजेक्शन करी, संदीप बब्बर और मेरा कोई रिलेशन था क्या जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए? नहीं, कोई रिलेशन नहीं था, स्टूडेंट का था। सर ये तो होता है ना, अर्जुन और द्रोणाचार्य का रिश्ता, अरे ये रिलेशन नहीं होता, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है वही, ठीक है, बचपन का प्यार वाला रिलेशन, वो वाला रिलेशन कभी तुम मान लो, ठीक है। रिलेटेड किसे मानने हैं ये, जो मैंने आपको डेफिनेशन पहले पढ़ाई थी, आज भी पढ़ा दूंगा, क्लियर है। तो भाई हमेशा ट्रांजेक्शनल वैल्यू होगी, लेकिन वो दोनों क्या होने चाहिए, सप्लायर और रिसिपियंट, ठीक है, नॉट रिलेटेड, एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई, कि जो आपने प्राइस लिया है वो क्या हो, सोल कंसिडरेशन, मतलब सोनू वाला केस, जो हाथ में घड़ी दी इन्होंने, वो वाला इसके अंदर कवर नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात या नहीं, बोलो। तो हर केस में ट्रांजेक्शनल वैल्यू होगी, लेकिन कितने केसों को छोड़कर, 2 केस, क्लियर हो गए 2 केस, हाँ। तो सर फिर कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो इन्होंने क्या करा है, सबसेक्शन 4 में लिखा है, क्या लिखा है जी, सबसेक्शन 4 में कहता है, वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 1, कि जहाँ पर सबसेक्शन 1 से वैल्यू नहीं निकलेगी, द सेम शैल बी डिटरमाइंड इन सच मैनर एज मे बी
प्रिस्क्राइब। तो इन्होंने कहा है कि हम रूल बताएंगे, क्या बताएंगे? रूल बताएंगे। और मेरे हिसाब से रूल नंबर 27 से लेकर इन्होंने 34-35 रूल तक यही बताया है, 35 है शायद, 35 रूल तक यही बताया है कि वैल्यू कैसे निकलेगी। तो रूल कितने हो गए? 8-10 रूल हो गए, समझ आ गई या नहीं? उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों की वैल्यू कहती है गवर्नमेंट हम बताएंगे, कुछ चीज़ों की वैल्यू क्या कह रही है गवर्नमेंट हम बताएंगे। तो इन्होंने सबसेक्शन 5 में गवर्नमेंट ने अपने पास क्या पावर लिखी, कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4, कहते हैं हम सबसेक्शन 1 को भी ओवर रूल करते हैं ट्रांजिशनल वैल्यू को, और सबसेक्शन 4 को भी ओवर रूल करते हैं जो रूल्स की बात कर रहा है। द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल शैल बी डिटरमाइन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। गवर्नमेंट ने कहा अगर किसी चीज पे हमारा मन चला कि नहीं भाई इसकी जो वैल्यू है ना तुम बेच लो 20,000 की, लेकिन GST 50 पे देना है, अरे कैसे देना था, ट्रांजेक्शन वैल्यू पे तो देंगे, कह रहे नहीं भाई इस पे तो तू 50 पे ही दे, समझ आई मेरी बात? सर रूल में ये बात लिखी हुई है कि 20 पे देना, क्या नहीं भाई 50 पे देगा, हमने कह दिया ना, ठीक है। या ट्रांजेक्शन वैल्यू 20 है, हमें रिलैक्सेशन देनी है किसी इंडस्ट्री को, हमने कहा चल GST के पर्पज के लिए ना 50% पे दे दे, 10,000 पे दे दे। तो गवर्नमेंट ने पावर किसके पास रखी है? अपने पास। लेकिन ये मेरे हिसाब से तुम्हारे CA इंटर लेवल पर, इंटर लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है, फाइनल लेवल पे शायद ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो लेकिन तुम्हारे आपको अपने माइंड में चीज़ रखनी है। तो वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है? बेसिकली सेक्शन 1 से, लेकिन दो केसेस में नहीं होती, उन दो केसेस में क्या होती है? सबसेक्शन 4 से। सबसेक्शन 4 में क्या रूल्स है कई सारे कि एजेंट को माल बेचा तो कैसे होगा, रिलेटेड पार्टी को बेचा तो कैसे होगा, बदले में कोई और चीज़ आई तो कैसे होगा, सेम ब्रांच में बेचा तो कैसे होगा, दिल्ली ने UP में बेचा तो कैसे होगा। तो बहुत सारे रूल हैं, ठीक है। अगर करेंसी एक्सचेंज हुई तो कैसे होगा, इंश्योरेंस के केस में कैसे होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ किस में ली है? 4 में। 5 ने क्या बोला कि तुम 1 और 4 को भूल जाओ, हम बताएंगे कि कैसे होगी वैल्यूएशन। तो गवर्नमेंट भी अपनी रूल्स बनाकर, तो कुछ रूल्स किसने बनाए? गवर्नमेंट ने, कि 1 और 4 को छोड़ो, हम बता रहे हैं ऐसे लगाओ। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ, एग्जांपल समझ लेना इनकी क्लियरिटी देने के लिए। कोई फॉरेन गया है कभी? फिर कैसे सीखोगे? अबे दुबई तो चले जाओ कम से कम। तुम गए यहाँ से दुबई, दुबई जाने के लिए तुमने 1,00,000 रुपए के गांधी जी, वहाँ पे नहीं चलते दुबई में, ठीक है, 1,00,000 रुपए के वहाँ पे क्या चलते हैं? धीरम, क्या चलते हैं, ठीक है ना, दुबई की करेंसी यही है ना, ठीक है। तो वहाँ पर 1,00,000 रुपए के बदले में एक धीरम की वैल्यू 20, ठीक है, तो कितने धीरम मिले तुम्हारे को, करो भाई डिवाइड, हाँ 5,000, 5,000 धीरम मिल गए तुम्हारे को। तो ये जो धीरम है ऐसा थोड़ी है कि कहीं से भी मिल जाएंगे, तुम किस पे जाओगे? फॉरेन एक्सचेंज पे जाओगे। उसने कहा तुम मुझे गांधी जी दो, मैं तुम्हें धीरम दूंगा। तो 1,00,000 रुपए मैंने उन्हें गांधी जी दिए और उन्होंने मुझे 5,000 क्या दे दिए? धीरम, ठीक है। अब ट्रांजेक्शनल वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे? ट्रांजेक्शन वैल्यू 1,00,000 की हो गई, हाँ। अरे भाई तुम किसी दुकान पर जाते हो, तुम 1,00,000 रुपए गांधी जी देते हो और बदले में सामान खरीद लेते हो, तो वहाँ पे भी तो तुमने गए और गांधी जी मिल, तुम्हें धर्म मिल गए, दूसरी करेंसी मिल गई, डॉलर मिल गए, कुछ भी मिल गए, राइट। तो अगर ट्रांजेक्शनल वैल्यू 1,00,000 रुपये तुम इसे मान लोगे और उस पर GST रेट मान लोगे 18%, तो 1,00,000 गांधी जी को बदलने में कितने रुपए लग गए? 18,000। तो तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा हो जाएगा? तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा हो जाएगा?
क्या इस सर्विस के इतने रुपए होने चाहिए? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इसके लिए हम बताएंगे। राइट, समझ आई मेरी बात या नहीं? बोलो क्लियर है ये वाली चीज, ये वाला पॉइंट क्लियर है? जैसे मान लो तुम एल आई सी प्रीमियम भर रहे हो और तुमने एल आई सी का प्रीमियम भरा 1,00,000 का, उस पर GST लग जाए 18,000, तुम्हें नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा लग गया? हाँ, चलो मान लो तुमने टिकट लिया एयर फेयर, फ्लाइट का टिकट लिया, तो टिकट दिलवाया तुमने एजेंट्स ने, तो कुछ सर्विसेज ऐसी है जहाँ पर अगर हमने ट्रांजेक्शनल वैल्यू लगा दी तो रिजल्ट्स क्या होंगे? खतरनाक आएंगे। तो उसके लिए क्या लाया गया है? सबसेक्शन 4 और 5। समझ आई या नहीं? रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिखकर बताया है, मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर एक बार और पढ़ लो कि रिलेटेड पर्सन जो हम सबसेक्शन 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहता है कि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को माल बेचा, सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, ठीक है, अब आप अपने डायरेक्टर को माल बेच रहे हो, रिलेटेड पर्सन में आएगा। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर इन द बिजनेस, पार्टनर्स को माल बेच रहे हो, रिलेटेड पर्सन। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई पहले ही बता रखा है, 1% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन और कंट्रोल 25%, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अदर बिजनेस, बोथ ऑफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय ए थर्ड पर्सन, ठीक है ना, एक कंपनी ए है बी है और इन दोनों में मेरे ही 50-50% के शेयर है, तो दोनों ही को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में क्या बन जाएंगे? रिलेटेड। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं? हाँ, क्लियर है? टुगेदर डे डायरेक्टली और कंट्रोल है थर्ड पर्सन, अगर ये दोनों मिलकर किसी थर्ड को कर रहे हैं तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन है, ये तो आप समझ लोगे, कर लोगे, आपने बहुत बार पढ़ी। दे आर मेम्बर ऑफ सेम फैमिली, लेकिन फैमिली की डेफिनेशन बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ, फैमिली का मतलब क्या होता है? मैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, और अगर मेरा ब्रदर सिस्टर और मेरे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट डिपेंडेंट है तो इसलिए मैंने वहाँ पर एग्जांपल किसका लिया था? वाइफ का। क्या लिया था? समझ में आई? क्लियर है? ठीक है जी, चलो, तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला क्लियर हो गया। अब हमारे को तसल्ली से बढ़ना सबसेक्शन 2 और 3, फिर तसल्ली से क्या बढ़ने? रूल्स। तो सबसेक्शन 2 और 3 रेडी हो आप? चलो, सबसेक्शन 2 क्या कहता है जरा ध्यान से समझ, कहता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड, क्या कहता है कि भाई ऊपर जो आपने सबसेक्शन 1 में वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाली है इसमें ना कुछ चीजें इंक्लूड करो। मैंने कहा भैया क्या इंक्लूड करना है बताओ? कह रहा है भाई देखो, ठीक है, इसे मैं एक एक एग्जांपल से बताऊंगा, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने खुद के बनाए, हो सकता है कि इनके पीछे लॉजिक को और भी हो, ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। सी वाला, ये मैं तुम्हें बता चुका, कहता है इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट ऑफ ए सप्लाई एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। आप आए और आपने कहा साहब मेरा जो सामान है ना मुझे ना दिल्ली से कलकत्ता लेके जाना है और इसकी ना पैकिंग ये वाली मत करो, बढ़िया सी कार्टून में पैकिंग कर दो, लकड़ी के गत्तों में कर दो जिससे ये टूटे नहीं। मैंने कहा ठीक है हम ये एक्स्ट्रा पैकिंग कर देंगे, 5,000 रुपये लेंगे, तो क्या वो इसमें इंक्लूड होगा? आंसर इज यस। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप कहते हो तो अभी इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट ने एग्जांपल्स दिए होंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ को ऐड है। तो सी पॉइंट में कोई दिक्कत है? हाँ, इसे किस नाम से याद रख लोगे? इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस। ठीक है जी, आप जो सप्लाई में डिलीवरी से पहले दे रहे हो और किसके बाद दे रहे हो?
सप्लाई ऑफ सर्विसेज में दे दें, तो आप उसमें ऐड करोगे। जैसे कई बार ऐसा हो सकता है कि ये लेट सपोज कैमरा लेकर हम आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि भाई कैमरा तो मैं ले लूँगा तुमसे, लेकिन मुझे एक बार चेक करके दिखाओ, सर्विस इसकी चेक करके दिखाओ। तो उसने कहा जी अगर हम इसे चेक करेंगे या सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है ना, तो पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। या जैसे आप गोल्ड ख़रीद के लाए, अब मैंने कहा भाई ना मेरे को तो इसका ना प्योरिटी चेक कराओ लैब में ले जाके। कह रहे सर हम कह तो रहे हैं 22 कैरेट 24 कैरेट है। मैं नहीं भाई प्योरिटी चेक कराओ, मेरा तो दिल नहीं ठुकरा कि इसमें इतना है। कह रहा सर प्योरिटी चेक करा तो देंगे, 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। मैं कहा ठीक है भाई ले ले। तो उसकी जो प्योरिटी चेक कराई, ठीक है, 1000 रुपये एक्स्ट्रा लिए, तो क्या वो इसमें ऐड होगा या नहीं होगा? हाँ, तो इंसिडेंशल एक्सपेंसेज में वो सारे एक्सपेंस आएंगे। क्लियर है? या इस पर कोई और डिस्कशन चाहिए? किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी नाम से हो, ठीक है जी। बोलो अगला, ठीक है ना। हुआ क्या, सोनू की शादी है। सोनू ने अपनी शादी का पूरा जो दावत का ठेका है, टेंट वेंट दावत वावत, मुझे दे दिया 10 लाख रुपए में। कितने में दे दिया? मैंने कहा ठीक है 10 लाख प्लस जीएसटी सोनू तेरे से लूँगा। उसने कहा हाँ सर ले लेना, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, कोल्ड ड्रिंक भी आप दोगे शादी में मेहमानों को, ये भी आप दोगे। मैं ठीक है। अब हुआ क्या, सोनू की एंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है, तो वहाँ पर कुछ मेहमान होते हैं जो खाली होते हैं, पहले ही आ जाते हैं। अब कुछ मेहमान आ गए ऐसे ही खाली, कह रहे कह चलो क्या टाइम पास करना, सोनू की शादी में चले जाओ, ठीक है। फूफा जी इनके आ गए, ठीक है, अभी तो तैयारी चल ही रही थी, तो पार्टी तो कब होनी है, शाम को। मेरे लोग वहाँ पर माला वाला लगा रहे, सब चीज़ें लगा रहे, मैं और तैयारियों में हूँ, ठीक है, सारी चीज़ों में। अब सोनू का मेरे पास फ़ोन आया, अरे सर वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल भेज देते। मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल अभी क्या करना है, शाम को आएगी? कहा नहीं नहीं सर अभी अर्जेंट में चाहिए, कोई आया हुआ मुझे देनी फिलानी उन्हें बोतल कोल्ड ड्रिंक की। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने एक वेंडर को फ़ोन करा, यार वो जो तू शाम को माल उतार रहा था ना इनके यहाँ 50 पेटी, तू ऐसा कर अभी उतारिया। उन्होंने कहा ठीक है मैं उतार आता हूँ, ठीक है। वेंडर कौन है मान लो, संदीप जी, ठीक है। संदीप जी को मैंने बोला कि 50 पेटी सोनू के यहाँ उतारिया, ठीक है। अब सोनू के यहाँ 50 पेटी उतार दी। अब उतारते ही सोनू फटाफट देने लगा, लो लो जी पानी बोतल पे। उसने कहा संदीप जी रुक जा भाई रुक जा। उसने कहा क्या हुआ? कह रहा पैसे दे पहले। अब सोनू को आ गया गुस्सा, कह रहा मैं 10 लाख रुपए दे तो रहा हूँ, अपने मालिक से बात करो जिसने माल भेजा। कहा मैं नहीं जानता, मुझे तो माल उतार दिया मैंने, पैसे तो तभी पियोगे बोतल। अब सोनू ने मुझे फ़ोन कराया, अरे क्या बदतमीजी है सर, जब तुम्हारा हमारा बात हो गई 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी में, और मैंने तुम्हें पैसे दे भी दिए या बाद में दूंगा जो डील है, ये मेरे से 20,000 रुपये क्यों मांग रहा है पेटी के? मैंने कहा यार ये सब लोग ऐसे ही होते हैं। सोनू कोई बात नहीं, तो 20,000 रुपये दे दे संदीप जी को, मेरे से एडजस्ट कर लियो, मेरे से क्या कर लियो, एडजस्ट कर लियो। तो सोनू ने 20,000 रुपये संदीप जी को दे दिया कोल्ड ड्रिंक वाले को। क्या सोनू लायबल था वो पैसे देने को? लायबल कौन था? मैं। जब फाइनली हिसाब करने बैठे हम, ठीक है, तो सोनू ने कहा 10 लाख का बिल नहीं बनाओगे, अब कितने का बनाओगे बिल तुम, क्योंकि 20 तो मैंने दे दिए। मैंने कहा रुक जा, ठीक है, एक बार सेक्शन 15 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 15 क्या पढ़ा, कहता है कि जो आपकी ट्रांजेक्शनल वैल्यू थी वो तो है ही है, उसमें आप ऐड करोगे एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे। उसे पे करने के लिए कौन लायबल था? सप्लायर, मैं लायबल था इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रिसीपिएंट। लेकिन वो किसने खर्च कर दिए? रिसीपिएंट ने खर्च कर दिए, ठीक है ना, विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रिसीपिएंट ऑफ द सप्लाई एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। तो अगर मैं 980 का बिल बनाकर भेज दूंगा और बाद में जब स्कूटरी होगी तो 20,000 रुपये पे GST किससे मांग लिया जाएगा? आपसे। मैं कहूँगा आई मेरे पास 980 है, कह रहा उससे मैटर नहीं है,
वो खर्चा जो था उसके लिए पेमेंट किसने, कौन लायबल था? आप 10 लाख का बिल बनाओ सर, 10 लाख पे GST लगाओ, पूरे पैसे लो, 20,000 फिर काटना। लेकिन आप टैक्स बचाने के लिए 20 पहले से ही काट लो जो सोनू ने पे कर दिए, ये बात गलत है। समझ आ गई कहानी या नहीं? बोलो, क्लियर, याद रह गए वाला एग्जांपल? हाँ, कि सब कई बार ऐसा होता है कि जहां पर मेरा तुम्हारे से कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसके पैसे सप्लायर ही देगा, रिसिपिएंट नहीं देगा। समझ में आ गई कहानी या नहीं? बोलो, कोई दिक्कत? चलो आगे की कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। अब सोनू को शादी में मिली, ठीक है, कौन सी गाड़ी? BMW, ठीक है। सोनू को शादी में कौन सी गाड़ी मिल गई? BMW, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो BMW गाड़ी मिल गई शादी में, लेकिन इसकी तो आदत ही है स्कूटी वाली। अब स्कूटी में आदत क्या होती है कि इंसान सर्विस कराने जब जाता है गाड़ी की, तो गाड़ी की जब सर्विस कराने जाता है स्कूटी में, वो देखता है कि पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तब जाएगा कि कभी पता चले सर्विस वाला पेट्रोल ना निकाल ले। अब इसने भी ऐसे ही करा, BMW थी, सर्विस कराने चला गया BMW के सर्विस सेंटर पे। तो जैसे ही उन्होंने कहा आइए साहब आइए, उन्होंने कहा साहब की गाड़ी चेक कर, गाड़ी में पेट्रोल निकला 0.5 लीटर। गाड़ी में पेट्रोल कितना था? 0.5 लीटर। और उसने कहा साहब इसकी सर्विस ही नहीं हो सकती। कहता है भाई गाड़ी की सर्विस के लिए कम से कम इसमें 5 लीटर पेट्रोल तो होना ही चाहिए, इंजन विंजन धोएंगे उसमें चाहिए होता साहब, आपको क्या पता। अब साथ में वाइफ भी थी, उसने कहा ओहो पेट्रोल ख़त्म हो गया। कह रहा कोई बात नहीं आप मंगा लेना, आई विल पे, आप मंगा लेना, मैं पैसे दे दूँगा। तो अब इसके पास जो बिल बनकर आया, सर्विस का बिल आया 5,000 का, उसमें पेट्रोल पेट्रोल पंप से मंगाया होगा उन्होंने मान लो। तो जब उन्होंने, एक और डीप में लेके जा रहा हूँ तुम्हारे को, उन्होंने जब पेट्रोल पेट्रोल पंप से मंगाया होगा, तो मान लो 1,000 रुपये का पेट्रोल मंगाया, तो क्या उसके ऊपर वैट दिया होगा या नहीं दिया होगा? क्या एक्साइज दिया होगा या नहीं दिया होगा? तुम्हें नहीं पता लगता वैट एक्साइज कितना है जब तुम पेट्रोल लाते हो, लेकिन जब इन्होंने मंगाया होगा तो क्या पता इन्हें पता हो या नहीं हो, तो उस पर 200 रुपये का लग गया होगा मान लो। तो इन्होंने 5,000 अपनी सर्विस के लिए और 1,200 रुपये किसके ऐड कर दिए? पेट्रोल के। GST किस पर आएगा? 6,000 पे, 6,200 पे या 5,000 पे? हाँ, तो ये कहता है, पढ़ो, कहता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड एनी टैक्सेस, कोई भी जो टैक्सेस है वो भी हम ऐड कर लेंगे, ड्यूटीज सेस फीस एंड चार्ज लेविड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स अदर देन दिस एक्ट। इस GST के अलावा अगर कोई भी टैक्सेस होंगे हम वो टैक्सेस भी ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, किस कौन से टैक्स को छोड़कर, ठीक है ना, कौन से टैक्सेस को छोड़कर जो कि GST वाले हैं, अगर चार सेपरेटली बाय द सप्लायर, कि अगर सप्लायर ने सेपरेटली चार्ज करे हैं तो वो हम भी टैक्स पे टैक्स ले लेंगे। सर यहाँ पर तो टैक्स पे टैक्स हो गया, बिल्कुल हो गया, समझ आई? तो अगर आपसे कल को कोई पूछे कि GST में कुछ ऐसा बताओ जहाँ पर टैक्स के ऊपर टैक्स है, तो आप बता दोगे सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के क्लोज ए में है। कई बार अगर आप जाओगे तो कुछ स्टेट्स ने ग्रीन सेस लगा रखा है, क्या लगा रखा है? ग्रीन सेस लगा रखा है। तो वहाँ पर अगर आपकी सप्लाई 10,000 रुपये की है और उस पर कुछ ग्रीन सेस लगा हुआ है 500 रुपये, तो आप GST किस पे लगाओगे? दोनों को इंक्लूड कर दिए, ठीक है। तो समझ में आई क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, इसमें कोई दिक्कत है? बोलो, हाँ ठीक है। चलो
अब इसमें एक डी क्लोज है, अभी तुम्हें समझा दे रहा हूँ, लेकिन जब टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर आएगा तब तुम्हें दोबारा से समझाऊंगा, तब अच्छे से समझ आएगी। पहले लोग क्या करते थे, ठीक है ना, पहले लोग क्या करते थे, मान लो मुझे जो फीस लेनी है आपसे लेनी है 10,000 प्लस में जीएसटी, ये मेरी जीएसटी की फीस है, लेकिन आपने कहा सर फीस तो दे दूंगा लेकिन जीएसटी नहीं दिया जा रहा, कुछ ऐसा कर लो। तो मैंने क्या करा, एक नियम लगवा दिया यहाँ पे कि हमारे बैच की जो फीस है वो सिर्फ 1,000 रुपये है, और बैच की जो फीस है, ठीक है, वो बैच शुरू होने से एक साल पहले देनी है, और अगर कोई नहीं देगा तो उस पर 1,000% की पेनल्टी है। कितने की पेनल्टी है? 1,000% ऐसी कंडीशन बना दी। अब तुम्हारे से फीस आई 10,000 रुपये, अब तुम्हें एक साल पहले पता लग जाएगा बैच चल रहा है। तो तुमने फीस दी 10,000, मैंने एंट्री डाली, मैंने कहा एंट्री डाल इसकी, फीस रिसीव 1,000 और पेनल्टी 9,000, और जीएसटी कितने पे दे रहा हूँ? गवर्नमेंट कह रही भाई इस पे जीएसटी क्यों नहीं दे रहा, 9 पे मैंने फीस नहीं है, दिस इज पेनल्टी। तो कई बार ऐसा होता था कि हम क्या करते थे, पैसे ले लेते थे सामने वाले से और उसे क्या बोल देते थे कि ये पेनल्टी है, ये इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लेते हो, क्या जी, इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ एनी कंसीडरेशन फॉर एनी सप्लाई, तो अगर आप कोई पेनल्टी इंटरेस्ट भी लेते हो तो उस पर भी आपको वैल्यू में वो ऐड होगा। क्लियर हो गई? तो यहाँ पर जहाँ जहाँ टैक्स प्लानिंग के स्कोप थे वो सारे के सारे ऐड कर दिए। समझ में आई या नहीं बात? क्लियर है? पहले तो इन्होंने सप्लाई की डेफिनेशन में ही बोल दिया, फिर यहाँ पर इन्होंने एडिशनल। कई बार ऐसा भी हो सकता है मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम कह दो सर बिजली का बिल मैंने पे कर दिया, बात खत्म। तो क्या बिजली का बिल पे करने के लिए आप लायबल हो? वो तो लायबल कौन हूँ मैं, लेकिन पे किसने कर दिया? आपने। तो वो किस में ऐड हो रहा है? एनी अमाउंट डेट सप्लायर इज लायबल टू पे, और आपने रिसीपेंट ने पे कर दिया तो इसमें ऐड हो गया। ठीक है, इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस क्लियर हो गए, टैक्सेस क्लियर हो गए, इंटरेस्ट और लेट फीस। हाँ, लेकिन बहुत सारी बिल बुक पर जब आप अपने किसी ओनर की बिल बुक उठा के देखोगे तो उस पर एक नीचे एक टर्म्स लिखी रहती है, 18% इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 18% इफ पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 30 डेज, लिखी रहती है बिल बुक पे, यानी। लेकिन क्या हर केस में हमें इंटरेस्ट आता है? नहीं आता। वो तो हमने क्यों छपा रखी है, वहाँ पर छपा रखा होता है ई एंड ओ ई, भूल चूक लेनी देनी, वो तो हमने क्यों छपा रखी होती है, क्योंकि कभी कोई डिस्प्यूट आ गया तो हम इंटरेस्ट ले लेंगे। अब हुआ क्या, एक व्यक्ति ने ऐसे ही बिल काटा हुआ था अपना, कितने का? 10 लाख का, और उसमें यही टर्म लिखी हुई थी, इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 18%, ठीक है, इफ पेमेंट इज नॉट रिसीव 30 डेज। अब उसने देखा कि पेमेंट ही नहीं आई इससे एक साल तक, तो जीएसटी ऑफिसर ने उठाकर क्या कर दिया, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मान ली और उसे कहा कि सेक्शन 15(2) में इसे भी वैल्यू में ऐड करो। क्या ये सही है? क्यों सही क्यों नहीं है? लिखा था यहाँ पर इंटरेस्ट, लिखा नहीं है यहाँ पे इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी? ये यहाँ लिखा है कि रिसीव्ड हो जाए। हाँ, तो इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा कि अगर इंटरेस्ट और लेट फीस होगा कुछ तो उस पर जीएसटी लगाएंगे। तो जीएसटी ऑफिसर यहाँ पर जीएसटी लगा सकता था। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर को मिलाकर और टाइम ऑफ सप्लाई को मिलाकर। तो टाइम ऑफ सप्लाई का जब चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें यह लिखा हुआ है कि जिस भी चीज पर जीएसटी लगेगा उस पर जीएसटी कब लोगे, गवर्नमेंट तुमसे कब लेने की हकदार है। तो इंटरेस्ट वाले केस में क्या लिखा हुआ है कि जब इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, जब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा, जब इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा तभी जीएसटी लिया जाएगा। जैसे
एग्रीमेंट साइन हो रहा था, मुझे पैसे लेने थे युगल से, तो एग्रीमेंट साइन करते करते इन्होंने बोल दिया कि सर मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा 29 फरवरी को, ठीक है जी। तो अब एग्रीमेंट साइन हो गया कब कि पैसे दूंगा, लेकिन कब दूंगा मैं 29 फरवरी को। तो अब वो पैसे कब आएंगे मेरे पास, जब भी कभी 29 फरवरी आएगी, और अगर 29 फरवरी आई नहीं तो पैसे आएंगे। मान लो एग्रीमेंट में इन्होंने लिख दिया मैं तुम्हें पैसे दूंगा 30 फरवरी को, वो कभी आएंगे नहीं। तो अगर तुमसे कभी कोई ऐसा एग्रीमेंट कराए तो ऐसी चीज डाल दे भाई, देख दूंगा ना 30 फरवरी आने दे। तो इसी तरीके से इंटरेस्ट वाले केस में क्या लिखा हुआ है स्पेशली कि इंटरेस्ट पे जीएसटी आएगा, लेकिन आएगा कब, जब इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी या लेट फीस जब रिसीव्ड हो जाएगी। समझ आ गई कहानी या नहीं आ गई, बोलो। ये स्पेशल मार्क कर लेना यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। ऐड कर तो लो वैल्यूएशन में, लेकिन जीएसटी नहीं ले सकते आप। कब लोगे जीएसटी इस पे, जब रिसीव हो जाएगा, क्योंकि ये बात कहानी कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन जब हम पढ़ाएंगे तुम्हें 12-13 वहाँ पर ही लिखी हुई है कि चाहे गुड्स का केस हो चाहे सर्विस का केस हो, इंटरेस्ट और पेनल्टी के केस में तभी लिया जाएगा। क्लियर हो गया या नहीं, बोलो। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? चलो अब ई पॉइंट और पढ़ लो कि क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। अब हुआ क्या, हम अपनी क्लासेस पढ़ा रहे थे, हमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब टाटा कंपनी ने हमसे एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि जो भी तुम अपनी क्लासेस पढ़ाओगे, 10,000 रुपये फीस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ले रहे हो। मैंने कहा भाई तुम भी पैसे कमा रहे हो। कह रहे हमारे जितने भी एम्प्लॉई या एम्प्लॉई के बच्चे तुम्हारे यहाँ पढ़ने आएंगे उनसे तुम 3,000 फीस लोगे। मैंने कहा हम क्यों लेंगे, हम तो नहीं लेंगे, हम तो पूरी 10,000 लेंगे। कह रहे यार लो ना तुम 3,000 फीस, 70% की तुम्हें क्या देनी पड़ेगी, सब्सिडी क्या देनी पड़ेगी। तो हम नहीं देते। कह रहे हम पे करेंगे ना तुम्हें। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया बात है। तो अगर कोई सब्सिडी मुझे टाटा कंपनी ने दी और टाटा कंपनी का जो एम्प्लॉई आया वो आया, अब मेरी फीस है 10,000, जीएसटी कितने पे लगेगा? बोलो हाँ? नहीं, मैं तो उस बच्चे से कितने लूंगा, 3-7,000 कौन दे रहा होगा मुझे, टाटा दे रहा होगा। तो जीएसटी कितने पे आएगा? तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि भाई सब्सिडी तुम्हें कोई भी दे, अपने को जीएसटी कितने पे चाहिए, पूरे पे। तो अगर ऐसी कोई सब्सिडी है, अब टाटा वाला तो इकट्ठे ही डाल दे रहा होगा ना मेरे अकाउंट में, ठीक है। तो आपको वो जो सब्सिडी मिली वो भी ट्रांजेक्शनल वैल्यू में ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन केजरीवाल साहब आ गए, मोदी जी आ गए, उन्होंने कहा केजे क्लासेस तुम पढ़ाओ, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, स्किल इंडिया में काम कर रहे हो, आप 3,000 में ही पढ़ाओ, बल्कि 2,000 में पढ़ाओ। मैं फीस 10,000 है, कह रहे 80% हम देंगे। क्या देंगे? 80% हम देंगे। अब ऐड करनी पड़ेगी नहीं? हाँ, तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, इन्होंने क्या लिखा भाई, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ो। सब्सिडरी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो कौन सी सब्सिडी को हटा के, स्टेट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हें सब्सिडी दी नेपाल गवर्नमेंट ने, ठीक है भाई। नेपाल का मतलब क्या, अपने को तो क्या है मतलब है, अपनी हिंदुस्तान की सेंट्रल और स्टेट, ठीक है। तो हम उसे भी ऐड कर देंगे। तो सब्सिडी भी वैल्यू में ऐड होती है, लेकिन कौन सी सब्सिडी, जो मेरे को अदर देन मेरी सेंट्रल और स्टेट हो, चाहे नेपाल गवर्नमेंट दे, चाहे बिल गेट्स फाउंडेशन दे, चाहे टाटा दे, कोई भी दे, सब ऐड होगी। तो ये होती है डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। क्या होता है जी,
अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन अगर डीप में जाए तो आ सकता है। अब हुआ क्या, मैं रतन टाटा जी के पास गया, मैंने कहा सर मेरा एक सपना है, मैं एक बहुत बड़ा स्कूल बनाऊं, उस स्कूल में बच्चों को फ्री पढ़ाऊं, सारी चीज़ें करूं, मुझे उसके लिए ना 1 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए। कह रहे हमारे को क्या होगा, मैंने कहा टाटा के जितने भी एम्प्लॉय के बच्चे होंगे ना सबको हम कंसेशनल रेट पे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी मुझे आप क्या दे दो, 5 करोड़ 10 करोड़ की क्या दे दो सब्सिडी, पढ़ाएंगे कब, बाद में जाके, अभी मैं क्या मांग रहा हूँ सब्सिडी। टाटा ने क्या दे दी 10 करोड़ की, मुझे क्या दे दी सब्सिडी, नहीं दे दी पैसे दे दिए सब, ठीक है। अब मेरा स्कूल बनकर तैयार हो गया, अब मैंने वहाँ पर 2 ही रेट लगा रखे हैं कि टाटा के जो बच्चे आएंगे उन्हें 3,000 में पढ़ाऊँगा, जो बाकी आएंगे 10,000 में। अब बताओ GST कितने पे आएगा, बोलो। अब GST 3 पे ही आएगा, क्योंकि जो वो सब्सिडी दी है वो क्या है, डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस नहीं है। जो मेरे को 10 करोड़ 5 करोड़ रुपए आए थे वो मुझे कैसे आए थे, इकट्ठे एक साथ आए थे, वो प्राइस से लिंक थे क्या? लेकिन यहाँ पर जो बाद में सब्सिडी दी थी, समझ में आ रही है नहीं, या जैसे मैं कॉपियाँ बना रहा हूँ, कॉपियाँ बना के बेच रहा हूँ, पेन बेच रहा हूँ, तो सब्सिडी कई बार क्या हो सकती है कि डायरेक्टली प्राइस से लिंक हो, और क्या हो सकता है कि मैं मशीन लेकर आई हूँ और टाटा ने मुझे बोला है कि चल ठीक है यार ये मशीन तू लगा रहा है 10 करोड़ की लगा दे। क्लियर हुआ दोनों में अंतर या नहीं? तो आपको इतना डीप भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस का मतलब क्या है, और जो डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस नहीं है उसका क्या मतलब है, ठीक है। क्लियर हो गई कहानी यहाँ पर। आगे क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द अमाउंट ऑफ सब्सिडी शैल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द सप्लायर हु रिसीव द सब्सिडी। तो जो सब्सिडी रिसीव करेगा उसमें वो ऐड कर दी जाएगी। क्लियर हुआ या नहीं, ये 5 पॉइंट क्लियर हुए या नहीं? हाँ, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मैंने तुम्हें एनालिसिस करा दिया। अभी जब हम इसे और पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूट ने अपना क्या एनालिसिस कर रखा है, तुम्हें बिल्कुल हलवा लगेगा। 15-3 पढ़े अब, बोलो 15-2 का डिस्कशन क्लियर है, 15-3 पढ़े या कोई दिक्कत, 15-3 चलो 15-3 पढ़ते। 15-3 किसकी बात कर रहा है, डिस्काउंट की, किसकी बात कर रहा है, डिस्काउंट की। जब 15-3 में डिस्काउंट की बात होती है तो इस चीज़ को समझना, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। उन्होंने कहा डिस्काउंट दो, हिंदुस्तान में बहुत डिस्काउंट चलता है, बिना डिस्काउंट के तो कहानी नहीं होती, हर चीज़ में डिस्काउंट है, 10%, 20%, 90%, 95% डिस्काउंट चलता है, दो। लेकिन जब आप इनवॉइस बना रहे हो तभी डिस्काउंट दे दो, एट द टाइम ऑफ इनवॉइस ही डिस्काउंट दे दो। मैंने कहा सर सारे डिस्काउंट ना इनवॉइस के टाइम पे नहीं दिए जा सकते। उसने कहा क्या मतलब, मैंने कहा सर एक चीज़ समझो, कई बार होता क्या है कि मेरे पास 2 लोग हैं, ये दोनों मेरे क्या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सैमसंग कंपनी के मोबाइल बेचते हैं। अब ये जो ए व्यक्ति है ये साल में बेचता है 10,000 मोबाइल, और ये जो बी व्यक्ति है, बी डिस्ट्रीब्यूटर है, ये साल में बेचता है 10 लाख मोबाइल, तो दोनों को रेट सेम कैसे हो जाएगा, क्या रेट में अंतर आएगा या नहीं आएगा? लेकिन जब मैं पहला इनवॉइस बना रहा होता हूँ तो मुझे नहीं पता है 10 लाख बेच पाएगा या नहीं, तो मेरा और इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं इनके साथ क्या करता हूँ, मैं इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि अगर आपने पूरे साल में एक सर्टेन क्वांटिटी, मतलब 5 लाख की क्वांटिटी सेल कर दी तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, होता है ऐसा या नहीं होता? तो सर इस वाले केस में क्या होता है कि जब मैं इनवॉइस बनाऊंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो क्वांटिटी वो क्रॉस करेगा या नहीं, तो एग्रीमेंट होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर कपिल इस तरह का कोई डिस्काउंट है तो हम मान लेते हैं, लेकिन इस तरह के डिस्काउंट को करने के लिए तुम्हारा एग्रीमेंट पहले से ही होना चाहिए।
समझ में आई कहानी नहीं? तो सेक्शन 15(3) इसी बात को बताता है। पढ़ो एक बार मेरे साथ 15(3). कहता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन। कहता है वैसे तो हम ठीक है डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। कहता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। कि सप्लाई की वैल्यू में डिस्काउंट मत ऐड करना, उसे मतलब घटा देना। समझा? कब? जब वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट इनवॉइस पर हो। ठीक है, अब इसमें एक केस और मैं तुम्हें एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चंस। तुम्हें याद है मैंने संदीप जी को 80,000 का मोबाइल 1,00,000 में बेचा था। कितने में बेचा था? 1,00,000 प्लस GST में बेचा था। अब मैं तो बड़ा खुश हो गया। अब संदीप जी भी यहाँ पे खेल गए। इन्होंने क्या करा, 80,000 का मोबाइल था, मैंने इन्हें 1,00,000 प्लस GST में बेच दिया। फिर इन्होंने कहा अरे सर मैं तो पैसे लाना भूल गया, मैं तो पर्स ही घर रह गया, सर आप मोबाइल रख लो बाद में लेंगे। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, तू ले जा मोबाइल कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है पैसे ज़्यादा है। ठीक है, मैं कहा कोई बात नहीं घर से भेज देना, अकाउंट डिटेल ले जाओ ट्रांसफ़र कर देना। अब ये मोबाइल ले गए घर पे, ठीक है, इन्होंने पेमेंट ही ट्रांसफ़र नहीं करी। एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 4 महीने हो गए, ये पेमेंट ही ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। जब ये पेमेंट इन्होंने ट्रांसफ़र नहीं करी, मैंने कहा भाई क्या हुआ पैसे वैसे? कह रहा सर पागल मत बनाओ, 80,000 का मोबाइल था जो 1,00,000 में छेद दिया। मैं कहा भाई तभी मना कर देते ना, मत लेते। कह रहा सर देखो अब लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं, या तो 80,000 प्लस में GST ले लो, 10,000 का GST ले लो, 90,000, नहीं तो तुम्हारा मोबाइल रखा हुआ ले जाना, भिजवा दूँ। मैंने कहा चल भाई दे 90,000 का। आने कितने थे? 1,18,000, आ कितने रहे? मैंने कहा अरे तो नुकसान हो गया, GST का भी नुकसान हो गया। अब मैंने क्या करा, दिमाग लगाया, मैंने बिल को चेंज कर दिया। बिल पे क्या डाला, 1,00,000 और डिस्काउंट डाल दिया 20%। तो क्या ये डिस्काउंट वैलिड होगा? नो। क्या अगर मैं इसका क्रेडिट नोट बनाकर दूं 20,000 का, क्या ये वैलिड होगा? नो। ना जब मैं सेक्शन 34 पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको ये बताई थी कि सेक्शन 15(3) से लिंकेज करेंगे, क्योंकि जब आप अपनी लायबिलिटी रिड्यूस करते हो तो गवर्नमेंट बड़ी सतर्क है, कहती है डिस्काउंट देने से लायबिलिटी रिड्यूस होती है। होती है या नहीं होती? होती है। डिस्काउंट देंगे तो क्या हो रही है, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, कह रही है। तो डिस्काउंट देने के लिए जब लायबिलिटी रिड्यूस करोगे, आप पहले समझ लेना इनवॉइस के टाइम पे करोगे। या दूसरा केस क्या बोला उसने, बोलो जी, आफ्टर द सप्लाई भी आप दे सकते हो, लेकिन किस केस में? सच डिस्काउंट इज एस्टेब्लिशमेंट इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, कि आपका वो टर्म्स पहले ही हो चुका हो। क्या मेरा और इनका टर्म्स पहले हो चुका था? नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, और साथ में क्या लिखा है, और साथ में क्या चीज है, कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उस डिस्काउंट से रिलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द सप्लायर। सप्लायर क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट। क्या इशू करेगा? आफ्टर सप्लाई तो क्रेडिट नोट इशू करेगा ना। हैज बीन रिवर्स बाय द रिसिपेंट ऑफ द सप्लाई, और वो ITC रिसिपेंट ने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो जो ये वाला डिस्काउंट मैंने दिया, क्या ये वैलिड डिस्काउंट होगा? नहीं। तो इसलिए इस पे ITC रिवर्स नहीं, डिस्काउंट ये वैलिड ही नहीं। तो जब आप क्रेडिट नोट बनाते हो तो पहले ये चेक कर लेना क्या वो क्रेडिट नोट सही में सही भी है या नहीं। अगर वो क्रेडिट नोट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो वो 15(3) में डिस्काउंट नहीं आएगा। समझ आई कहानी या नहीं? कर ही नहीं सकते आप, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला कि सर अब क्या करना पड़ेगा, मैंने तो 1,18,000 का बिल दिया हुआ था और मेरे पास तो आए 90,000, 28,000 खड़े रहेंगे। तो आप 28,000 रुपये जो आपको करना है
वो विदाउट जीएसटी कर लो, आप अपना बर्डन बियर कर लो। बर्डन कौन बियर करेगा? सप्लायर ही बियर करेगा। चाहे मोटी हो चाहे छोटी हो, लो मोटी और छोटी को देख के नहीं होता। विदाउट जीएसटी रिवर्स करेंगे बस, और कौन से डिस्काउंट? क्योंकि आप ये डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। डिस्काउंट देने की इन्होंने क्या लिखी है? कंडीशन डाल रखी है। क्यूसी के मैटर आते हैं, जैसे कोई किसी ने बहुत बड़ा काम किया है, उसका उसने बिल दे दिया, दो महीने बाद क्यूसी हुई उसकी, कंपनी ने क्यूसी करवाई और उसमें पाया गया कि भाई ये चीज़ें नहीं थी इसमें, तो आप इसका क्रेडिट नोट रिवर्स करो। हमने यहाँ पर क्या बोला, देखो अभी हम मैं आपको क्रेडिट नोट का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा। दिक्कत क्या होती है कि जब क्रेडिट नोट पढ़ाते हो तब क्वेश्चन नहीं आता माइंड। अभी आ रहा हूँ मैं उसी पे। अगर आपका कुछ भी क्वांटिटी का इशू इन्वॉल्व है तो आप क्रेडिट नोट अपना इशू करो, जो सेक्शन 34 कह रहा है। यहाँ डिस्काउंट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? डिस्काउंट की। आप उसे डिस्काउंट नहीं बोलोगे, आपकी क्वांटिटी शॉर्टेज हो गई वो बात अलग है। कि मैंने तुम्हें 1 लाख का माल भेजा और तुम्हें वहाँ पर मिला ही 80,000 का माल या मार, ठीक है ना, वो चीज़ समझिए। या तुम्हारे एग्रीमेंट्स पहले होने चाहिए। क्वांटिटी शॉर्टेज हो गई वो अलग कहानी है, समझ में आएगा या नहीं? लेकिन यहाँ पर ये डिस्काउंट वाली चीज़ें क्लियर है आपको या नहीं? तो इस तरीके से हमने आपको सेक्शन 15 पूरा कंप्लीट बता दिया, ठीक है। अब इसके एक बार एनालिसिस पढ़ ले कि इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है एनालिसिस में। 2 मिनट लगेगी, 5 मिनट, 10 मिनट, अगर कुछ छूटा होगा हमसे तो क्या पता ये कवर अप हो जाए। हालांकि द जीएसटी लॉ है डिफरेंट प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई, है ना। तो हमारा क्या है, सप्लाई प्राइस जो होगा वही होगा। सेक्शन 15 एक यही चीज़ कह रहा था, हाँ जी। और अगर कहीं पर नॉन मैंडेटरी कंडीशन है, मतलब मैंने तुम्हें सप्लाई दी और बदले में तुमने मुझे कुछ और दे दिया, तो ये क्या हो गया, नॉन मॉनेटरी कंडीशन। या आधा नॉन मॉनेटरी है और आधा मॉनेटरी है, जैसे हमारा सोनू वाला एग्जांपल था, 40,000 कैश है और साथ में कुछ है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई तुम मेरे पास कुछ लेने और बदले में आप मुझे कुछ दे दो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर क्या था, सबसेक्शन 15 4 और 5 पिक्चर में आ जाएगा और इसके क्या हो जाएंगे, रूल्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर रिलेटेड पर्सन है तो भी 15 4 के हिसाब से रूल्स आ जाएंगे पिक्चर में। रिलेटेड पर्सन कौन है, इसकी डेफिनेशन है, ये आप एक बार खुद पढ़ लेना, मैंने जितना था मोटा मोटी आपको बता दी, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बता देना कि जी मैं तो इसे रिलेटेड पर्सन मान रहा था। रिलेटेड पर्सन मान के कैलकुलेशन करिए, पर वो रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर अनरिलेटेड पर्सन है तो सिंपल 15-1 आ ही गया। 15-1 में हमने क्या करा, ठीक है जी, ट्रांजेक्शनल वैल्यू मान ली, कोई दिक्कत है या नहीं है? हाँ, एग्जाम्पल समझ लेते कि होलसेल प्राइस क्या है सीमेंट का, ठीक है ना, ऑर्डनरी कोर्स में कितना है, 7,000, लेकिन मैंने किसी को अनरिलेटेड कस्टमर को 6,700 में भेज दिया, वगैरह कोई बात नहीं, बेचो। अपने को क्या दिक्कत है, तुम्हारा माल तुम 7,000 का बेचो, 6,700 का बेचो, हम ये नहीं कह सकते कि इसका मार्केट का क्या रेट है, ठीक है जी। प्राइस पेड और पेबल ये मैं आपको बता चुका हूँ। इंक्लूजन मैंने आपको बता ही दिए कि क्या क्या चीज़ों के इंक्लूजन होंगे। आप इन इंक्लूजन को जितना भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, TCS अंडर इनकम टैक्स एक्ट, क्या बोला जी, ये इम्पोर्टेंट कर लो भाई। ये कहता है TCS अंडर इनकम टैक्स एक्ट नॉट इंक्लूडेबल इन द टैक्सेबल वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ GST। अब इसके लिए तुमने इनकम टैक्स पढ़ाओ, वहाँ पर एक TCS होता है, एक TDS होता है, एक TCS होता है, ठीक है। वो कौन लगाता है, ठीक है ना, वो सेलर लगाता है। कौन लगाता है, जैसे स्क्रैप का सेलर हो गया, वहाँ पे वो TCS लगाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि हैज़ क्लैरिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वो बिल कैसे बनाता है कि भाई मैंने 10 लाख का सामान बेचा, उस पर वो GST लगाता है, फिर उस पर वो TCS भी। तो कह रहा भाई TCS को ना आप इंक्लूड नहीं करोगे, जब आप GST लगाओगे तो उसमें TCS आपने जो 1% लगाया है 10,000 वो नहीं इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इसे क्लैरिफाई करा कि हैज़ दैट द पर्पज़ ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई
टैक्स कलेक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स वुड नॉट बी इंक्लूडेबल एज इट इज ए इंट्रीम लेवी नॉट हैविंग टू कैरेक्टर ऑफ टैक्स। कल को कोई कह सकता है कि भाई 15-2 क्या कह रहा था कि कोई भी टैक्स होगा जीएसटी से अलग हम तो लगाएंगे, तो ये तो टीसीएस भी टैक्स है तो हम तो इस पर भी जीएसटी लगाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये टैक्स ही नहीं है, ये क्या कह रहा है, ये एक इंट्रीम लेवी है कि पहले लिया जाता है और फिर दे दिया जाता है वापस, तो ये टैक्स है नहीं, तो आप टीसीएस नहीं लगाओगे। ठीक है ना। पेमेंट मेड बाय थर्ड पार्टी बाय द रिसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर, ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। ठीक है, ये मैंने तुम्हारा वही शादी पार्टी वाला एग्जाम्पल ले लिया कि ग्रैंड ब्रिज कॉन्टैक्ट विद एबीसी टू कंडक्ट ए डीलर मीट, कि डीलर मीट हो रही थी, इन फर्दरेंस ऑफ दिस ग्रैंड ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर टू डिलीवर गुड सर्विस वाटर सॉफ्ट ड्रिंक, सब आप हमें दोगे वेन्यू पे। ठीक है, ग्रैंड ब्रिज इज लायबल टू मेक द पेमेंट, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर वांट्स पेमेंट अपॉन डिलीवरी, लेकिन जो डिलीवरी पे आया उसने कहा नहीं मुझे तो पैसे अभी चाहिए। ठीक है ना, ऑन रिसीविंग द दिस अमाउंट इज नॉट बिल टू द ग्रैंड ब्रिज टू एबी, हाउएवर इट वुड बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, समझ आ गई वही वाली कहानी बता रहा है ये, कि जिसने वाटर की सप्लाई करी उसने कहा मैं तो तुमसे पैसे लूँगा, साथ के साथ उसने दे दिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं बिल नहीं करता हूँ तुम्हारे को। समझ आ गई कहानी यानी। इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से बता दिया मैंने, कमीशन हो गया, पैकिंग हो गया, इंस्पेक्शन, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग चार्ज, वेट चार्ज, लोडिंग चार्ज, कई बार होता है ना माल जी भाई मेरे सामने दोबारा से वेट करो जी, इसके एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, आउटवर्ड फ्रेट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ बता दी। इंटरेस्ट लेट फीस बहुत अच्छे से बता दिया मैंने तुम्हारे को, लेकिन साथ में ये भी कहानी क्या बता दी कि जब ये रिसीव्ड हो जाएगा तभी होगा। ठीक है ना जी, क्लियर है या नहीं है। तो इंटरेस्ट लगेगा अगर आपसे कोई पूछे, दोनों चैप्टर को जब कंबाइंड पढ़ोगे तब आपको एक क्लियरिटी आएगी, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में लगेगा तो कह देना यस लगेगा। और आप जब भी कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये मानकर करोगे कि ये रिसीव हुआ है। ठीक है, सब्सिडी मैंने बता दी आपको, सब्सिडीज, हाँ जी, सेलिंग प्राइस क्या है नोटबुक का 50 रुपये, गवर्नमेंट स्टूडेंट को बोल दे तो कंपनी क्या कह रही है कि हम तुम्हें सब्सिडी दे रहे हैं, किसी कंपनी ने बोल दिया कि तुम भाई 30 रुपये की हम दे रहे हैं सब्सिडी, तो आप 20 रुपये की ही बेचना, तो नोटबुक की वैल्यू क्या है 50। और ये क्या है, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है, क्या है, जो मैंने टाटा वाला एग्जांपल लिया वो यहाँ पर इन्होंने ये एग्जांपल ले लिया। ठीक है, क्लियर है जी, अगर गवर्नमेंट से आ गई तो वही है 20 रुपये की रहेगी। डिस्काउंट मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट पे हमेशा से क्वेश्चन आता है, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्या है। आई थिंक मैंने तुम्हारे को पूरा चार्ट अब आप पढ़ सकते हो तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो रखा है, ठीक है ना, कुछ सर्कुलर आए हुए हैं। ठीक है ना, तो उस सर्कुलर में कुछ डिस्काउंट की बातें की गई हैं। ठीक है, तो ये वाली डिस्काउंट की बातें कर ले, बोलो बोलो जी। हाँ, नेक्स्ट क्लास में करना है, क्योंकि देखो मैं आपको अभी बता दूँ क्या क्या रह गया आपका इस चैप्टर में। एक तो ये डिस्काउंट के जो सर्कुलर आए हुए हैं वो रह गए, ठीक है, कि ये इससे ना अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी जो मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन जब सर्कुलर आ जाएगा तो वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा ना, एग्जांपल्स रह गए, या तो एक बार इन्हें रीड करके आ जाना, इनकी कैलकुलेशन पढ़कर आ जाना, फिर इसके बाद तुम्हारे चैप्टर में सीए इंटर वालों में जो सीए इंटर है उसमें रूल्स नहीं पूछना। कह रहा रूल्स कब पूछेंगे, फाइनल में, कब पूछेंगे, फाइनल में। ठीक है, तो रूल्स आप लोगों के केस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लेना, आपके केस में सिर्फ इतना ही है। समझ आया, तो अब आप ये वाले सर्कुलर्स आप एक बार और देख लेना और इसके क्वेश्चंस देख लेना, क्वेश्चंस नहीं तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में आराम से बता देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, तो ये आपका वैल्यूएशन का चैप्टर था जो मैंने आपको क्लियर करा दिया। ठीक है, इसे कराने में हमारे को लगभग 1.5-2 घंटे में ही हमारा हो गया है। ठीक है ना जी, तो इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस करोगे और क्लियरिटी इसमें आ जाएगी। और अगर आपको फुल कोर्स चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, बाकी सारे चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये वाली जो क्लास है आपकी, सी ए इंटर, सी एस इंटर, सी डब्ल्यू ए इंटर, कोई भी व्यक्ति से
ले सकता है, देख सकता है। ठीक है जी, जब हम प्रोफेशनल के लिए इस क्लास को पढ़ाते हैं तो उसमें हम रूल्स भी बताते हैं, तो वैसे आपको रूल्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रूल्स वाली भी क्लास लेना चाहेंगे तो वो अलग से मिल जाएगी। चलिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू।